आपको नाइन्थ क्लास के कंप्यूटर के थर्ड चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि उस चैप्टर का जो नाम है वो हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। When we attach one system with another, ठीक है, जब हम किसी एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं या कनेक्ट करते हैं थ्रू एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उसमें जो रिलेशन कायम होता है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क मसलन मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल डिवाइस लगा लेते हैं, एक मोबाइल डिवाइस लगा लेते हैं और एक पर्सन मतलब दो पर्सन मोबाइल यूज कर रहे हैं, एक पर्सन खड़ा हुआ है मतलब एक पर्सन जो और से बात कर रहा है और एक पर्सन फैसलाबाद से बात कर रहा है। अच्छा, अब ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं जबकि वाईफाई कह रहे हैं मतलब व्हाट्सएप में कह रहे हैं, ईमो में कह रहे हैं, जिस पे मर्जी कह रहे हैं, ये एक पर्सन और से बात कर रहा है और एक फैसला बात कर रहा है, दो डिवाइसेस आपस में यूज हो रही है। तो ये थ्रू व्हाट्सएप मैसेंजर या किसी और ऐप के थ्रू इसको डाटा को सेंड कर रहा है, तो ये इसमें जो मीडियम कायम हो रहा है दैट इज कॉल्ड वाईफाई, ठीक है, क्योंकि विदाउट एनी मीडियम वी कांट सेंड डाटा, हम किसी मीडियम के बगैर डाटा को सेंड नहीं कर सकते। मीडियम क्या होता है, जो दो नेटवर्क्स को या डिफरेंट थिंग्स को आपस में मिलाता है वो हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, नेटवर्क काम कर रहा होता है। अच्छा, ये मोबाइल से हमने इसको मैसेज सेंड किया हेलो थ्रू इंटरनेट, मैंने व्हाट्सएप के थ्रू या किसी मैसेंजर के थ्रू मैंने इसको मैसेज को सेंड किया हेलो, तो यहां से मैं सेंड कर रहा हूं तो ये सेंडर का काम कर रहा है। यहां से मैं डाटा को सेंड कर रहा हूं तो ये सेंडर का काम कर रहा है। सेंडर किसे बोलते हैं, जो डाटा को सेंड कर रहा होता है। फिर जिस मोबाइल पे डाटा जा रहा है या हेलो जा रहा है वो उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे रिसीवर। तो जो सेंडर होता है वो मैसेज को सेंड कर रहा होता है, जो रिसीवर होता है वो मैसेज को रिसीव कर रहा होता है। इसी तरह ये जब इसके इवन कोई आंसर रिप्लाई करेगा जी कुछ भी जी या हेलो अगेन, अब यहां पर ये सेंडर बन गया और ये रिसीवर बन गया। तो जब हम उसी डिवाइसेस में किसी मीडियम के थ्रू बात कर रहे होते हैं तो उसको हम दोनों के दरमियान में जो रिलेशन कायम करवा लेते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। अच्छा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जाने से पहले कुछ चीजों को आपने कर लें कि इन ओवर डेली लाइफ हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर क्या करते हैं, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम ऑनलाइन, ठीक है, रीड डेली न्यूज़पेपर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग वी कैन इजीली यूज टू इंटरनेट या यूजिंग इंटरनेट। हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए वीडियोस देख रहे होते हैं, हम मूवीज देख रहे होते हैं, हम गूगल का यूज कर रहे होते हैं, जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम टिकटॉक देख रहे हैं या हम नाइकी यूज कर रहे हैं या डिफरेंट ऐप्स यूज कर रहे हैं, तो हमें इंटरनेट की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम कभी भी नाइकी या टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंटरनेट बेसिकली रिलेशन कायम करता है उस डिवाइस के साथ, वही हमारे पास क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। अच्छा, आप कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, आपकी बुक के मुताबिक डेफिनेशन लिखी है, इसी को आपने प्रॉपर याद करना है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपने याद नहीं करनी। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क एक ग्रुप होता है, ग्रुप किसे बोलते हैं, जब डिफरेंट
डिफरेंट सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो हम कह देते हैं ग्रुप, ठीक है। जैसे तीन भाइयों का ग्रुप, तीन भाई हैं, जैसे दो फैमिलीज का ग्रुप, ठीक है, दो अकेडमी का ग्रुप, इसी तरह जब ग्रुप मतलब कोई काफी सारी चीजें आपस में मिल जाती है। सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेज या किसी और हार्डवेयर डिवाइसेज के साथ लिंक टूगेदर आपस में मिलती है थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, किसी ना किसी चैनल के थ्रू। एक बात याद रखिएगा, दो डिवाइसेज को आपस में मिलाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की या किसी ना किसी मीडियम का होना जरूरी है। कोई भी मीडियम के बगैर चीज आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती। अब डिपेंड करता है कि हम काम किस चीज पे कर रहे हैं। अगर मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो वाईफाई मीडियम है, अगर मैं कोई और डिवाइस यूज कर रहा हूँ वहां पर अगर वाईफाई यूज करें तो उसका मीडियम है। विदाउट वाईफाई आप अपना मोबाइल यूज या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने आपके डायग्राम बनाए हैं आपके बुक के मुताबिक। एक मोनो यानी एक रोकर है जो कि मीडियम का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक सिस्टम है जो कि केबल के साथ कनेक्ट है। केबल आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कुछ सिस्टम पड़ा होगा तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट की वायर लाते हैं और लाके अपने सिस्टम के साथ लगा देते हैं। तो उस वक्त जो इंटरनेट सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हो रहा है उसको मीडियम और वहां पर मीडियम केबल काम कर रहे हैं। एक केबल आप वाईफाई की यानी कि किसी रूटर से निकाल के सिस्टम के अंदर लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, मीडियम बन जाता है। वो वाला जो कनेक्शन होता है वो हम कनेक्टेड थ्रू केबल से, ऐसा कनेक्शन जिसमें हम किसी तार वायर का इस्तेमाल करें किसी दूसरे नेटवर्क को साथ मिलाने के लिए, उस पर जो रिलेशन कायम होगा वो केबल से थ्रू होगा। फिर यहाँ पर मैंने प्रिंटर की डायग्राम बनाई है, इसको भी मैंने किसी वायर के साथ जोड़ा है स्क्रीन, इसका और इसके साथ में जो रिलेशन कायम कर लिया वो ये केबल कर रही है। अच्छा, इसी तरह मैंने एक और सिस्टम बनाया कनेक्टेड थ्रू वाईफाई, इसमें केबल अटैच है लेकिन ये सिग्नल्स बनाए हैं मैंने आपके सामने जो कि वाईफाई के सिग्नल शो कर रहा है। अब यहाँ पर वायर कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ वायर जुड़ी हुई नहीं है, तो वायर नहीं जुड़ी तो इसमें क्या वो इंटरनेट यूज नहीं कर सकता है। किसके थ्रू? वाईफाई के थ्रू। वाईफाई में हमें किस चीज की जरूरत होती है? सिग्नल्स की, जो कि हमें इंटरनेट में इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। तो कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें केबल से यूज करना पड़ता है, उसको हम तो केबल से जोड़ते हैं। कुछ मीडियम्स या कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें किसी मीडियम यानी कि फिजिकल मीडियम किसी वायर वगैरह की जरूरत नहीं होती। जब हमें किसी वायर की जरूरत होती है जो मीडियम यूज कर रहे होते हैं वो वाईफाई भी यूज कर रहे होते हैं। तो जो कि आपको पता है इस मॉडर्न एरा के अंदर, इस मॉडर्न जदीद दौर के अंदर क्या हो रहा है कि केबल्स का दौर कम होता जा रहा है और वाईफाई का दौर ज्यादा होता जा रहा है। तो ये था आज आपके साथ टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और फिर मैंने डिफरेंट थोड़ी सी एग्जाम्पल्स बनाई थी, फिर मैंने आपको बताया सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, फिर हम अपने सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स को जब आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, कोई ना कोई मीडियम या मॉडम यूज कर रहे होते हैं। मॉडम क्या है? जो कि आप दो चीजों को आपस में मिलाता है। मसलन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लें कि आपने एक गली से दूसरी गली तक जाना है, तो आप किसी रोड के थ्रू जाओगे, किसी सड़क के थ्रू जाओगे, तो वो जो सड़क है वहां पर ऐसा मीडियम काम कर रही है। अगर सड़क ना हो या रोड ना हो तो आप उसके ऊपर चल के नहीं जा सकते। तो हर सिस्टम का, हर चीज का कोई ना कोई मीडियम होता है जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं। तो ये था आपके साथ आज का लेक्चर कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कि जब डिफरेंट ग्रुप्स आपस में मिलते हैं या मुख्तलिफ डिवाइसेज आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद में कोई ना कोई कम्युनिकेशन क्रिएट करती हैं, उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगर किसी चीज़ के बारे में समझना है तो जरूर बताइएगा।